गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर चुके थे और साथ ही मैंने आपको फर्स्ट लॉ के साथ इनर्शिया, जो किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगी। तो ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट में बनाए रखना उस ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट चेंज नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट अपने आप में चेंज होने का अपोज करती है, ठीक है, इसे हम कहेंगे इनर्शिया। All the example and activity given so far illustrate that there is a resistance offered by object. तो आपने जो ये इस तरह की activity देखी है, ये एक glass है, ठीक है, एक card रखा है, उसके ऊपर एक coin रख दिया है और अब sudden इस card को हटा देते हैं या इस तरह से आप उसे मारकर हटा देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के लिए जो कॉइन रहता है वो एयर में ही रहता है और फिर नीचे गिरता है। इसका मतलब ये है कि अभी इस कॉइन का जो इनर्शिया है वो कैसा है, रेस्ट कंडीशन में, जिसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, ठीक है, तो अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देगा। लेकिन कार्ड हटाने के कुछ टाइम के बाद ये नीचे गिरता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अब इसका बेस जा चुका है लेकिन कुछ सेकेंड तक इसकी बॉडी या इस कॉइन के अंदर की जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जिसे रेस्ट कंडीशन में बनाए रखती है, वो एज इट इज़ इसे हवा में रखेगी और फिर ये नीचे गिर जाएगा। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया था कि जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, या फिर रुकी हुई बस जब अचानक चलना शुरू करती है तो हम पीछे की ओर क्यों रुक जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है। तो बॉडी की इस तरह की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और क्या अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या सारी ही बॉडी का इनर्शिया जो होता है वो सेम होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी खाली बॉक्स को धकेलना, पुश करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फुल बॉक्स के, ठीक है, ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हो। इसी तरह हम फुटबॉल को किक मारने पर आसानी से उड़ जाती है, जबकि किसी पत्थर को, उसी साइज़ के किसी बड़े पत्थर को, जैसे वो फुटबॉल है ना, फुटबॉल की साइज़ का ही कोई पत्थर ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, उस पर किक मारने के लिए आपको इक्वली फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जबकि आप बॉल को किक मारेंगे तो बहुत आसानी से उड़ जाती हैं, ठीक है। और उसी तरह आपने देखा होगा कि जब इंजरी होती है आपके फुट में, पैर में, ठीक है, तो क्या होता है, तो इस तरह की एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पर 5 रुपी कॉइन वाली एक्टिविटी भी दिखाई गई है, फिर उसके अलावा 1 रुपी कॉइन वाली जो एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसका डिस्कशन यहाँ दिया है कि आप उस कार्ड को हल्का सा फोर्स लगाए और वहाँ से हटा दीजिए, तो वो कार्ड जो होता है इतना ही फोर्स लगाना है कि वहाँ से जस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले और कार्ड वेलोसिटी, कार्ड की बढ़ जाए, यानी कि वेलोसिटी बढ़ना, दैट मीन्स अभी रेस्ट था और एकदम से वो आगे की तरफ चला गया, ठीक है। तो जो फोर्स है वो इतना होना चाहिए, ये आपको ट्रेन का एग्जांपल दे रखा है, कार्ड के बाद आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया है कि ट्रेन के द्वारा भी जो आगे मेन इंजन होता है वहीं पर फोर्स लगाया जाता है और बचे हुए जो पूरी ट्रेन को खींचने के लिए सबसे आगे हम इंजन पर फोर्स लगाएंगे और बाकी उससे जुड़े हुए जितने भी बोगीज हैं वो ऑटोमेटिक आगे की तरफ जाती हैं, ठीक है, और वेलोसिटी आगे इंजन के अकॉर्डिंग पीछे वाले सारी बोगीज जो रहती है वो स्पीड पकड़ लेती है। ऐसा इसीलिए कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन जो कार ट्रेन जिसे हम बोलते हैं, कार्ट मतलब आप कोई सवारी गाड़ी की बात कर सकते हैं जिसमें कोई सामान रख सकते हैं, ठीक है, उसमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, उसकी मोस्ट जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे चेंज करने के लिए।
अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार्ट. मतलब अगर किसी कार्ट की बात करते हैं और नॉर्मली किसी ट्रेन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ट्रेन के इंजन में बहुत पावर होती है और उसे खसकाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. उसे मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कार्ट. कार्ट मतलब कोई गाड़ी, जैसे कि बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी. ठीक है, क्लियरली हमें ये समझ में आया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, उस पर उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है. और जो हल्की बॉडी होती है, लाइट वेट होने के कारण उसका मास अगर कम है तो इनर्शिया भी कम लगाना पड़ता है. नाउ क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. यानी कि इन सब का फैक्ट आपको क्या समझ में आया, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो उसके मास से मेजर करेंगे. ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया कम होता है. ठीक है, अब इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है जो ऑब्जेक्ट के खुद के अंदर पाई जाती है. ये कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी नहीं है, हर ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, जो अपने आप में चेंज होने से रोकती है. और जो मास है वो भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितने मटेरियल से या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर कंटेन है. मैटर मतलब पदार्थ, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितना मैटर यूज़ हुआ है, या टोटल हम कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन है, वो उसका मास कहलाता है. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर कंटेन होगा वो उसका मास कहलाएगा, और उसी ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल प्रॉपर्टी इनर्शिया है वो उसके मास पर ही डिपेंड करेगी. ठीक है, नाउ अब हम लोग सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ से आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. और वेलोसिटी का चेंज होना दैट मीन्स हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो गई. ठीक है, वेलोसिटी में लगातार चेंज आना दैट मीन्स एक्सेलरेशन हो जाना. जैसे कि आप कोई व्हीकल चलाते हैं और आप बार बार एक्सेलरेट करते हैं या स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेटर जो होता है आपके राइट साइड पर जो हैंडल है वही एक्सेलरेटर की तरह वर्क करता है. जब आप उसे टर्न करते हो तो स्पीड बढ़ती जाती है, तभी इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर रखा गया है कि वो एक्सेलरेट करता है, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है. तो कई बार व्हीकल चलाते समय आपने देखा होगा, कहीं आप बहुत स्लो चला रहे हैं, अचानक स्लो चलाना दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर वो अभी कम है. ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि 20 की स्पीड से चला रहे हैं, 40 की, 60 की, यानी 20 किलोमीटर पर आवर, 40 की स्पीड है यानी 40 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड है यानी 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप वेलोसिटी को लगातार चेंज करते जा रहे हैं, तो व्हीकल चलाते समय कई बार ऐसा होता है कि रास्ता साफ हो तो आप उसे तेज चलाते, ठीक है, आपकी वेलोसिटी को बढ़ा देते. फिर जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा वो ज़ीरो कंडीशन से स्टार्ट होती है, वो स्टेट कंडीशन में होती है, रेस्ट कंडीशन में उसकी स्टेट होती है, और धीरे धीरे आप एक्सेलरेट करते हो तो उसकी वेलोसिटी में बढ़ती जाती है. तो हम कहेंगे कि उस व्हीकल क्या वो व्हीकल एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपको यही कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे गैलीलियो ने समझाया था कि जितनी बार आप अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अनबैलेंस मतलब फोर्स दोनों साइड से ऑब्जेक्ट पर इक्वल नहीं होना चाहिए, और अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जब लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको बढ़ा देता है, और बढ़ाते बढ़ाते बार बार चेंज करते करते हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाती है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब कोई पूरी टीम है और फुटबॉल खेलती है, तो अगर एक जगह से फुटबॉल को आपने किक मारा है और फुटबॉल आगे की तरफ जा रही है, तो ऑलरेडी वो अपनी एक वेलोसिटी V1 पर है मान लीजिए, और यहाँ से दूसरा प्लेयर ने आके उस बॉल पर, यहाँ बॉल है और दूसरे प्लेयर ने आकर यहाँ पर किक लगा दी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी उससे ज़्यादा वेलोसिटी में दूसरी बार फोर्स लगा दिया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया,
तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और उसकी वेलोसिटी v1 से क्या बन जाती है, v2 हो जाती है, यानी वेलोसिटी बढ़ गई। तो इस तरह से वो बॉल क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई, या हम कहें कि इसी डायरेक्शन में ना करते हुए पीछे से चलती हुई बॉल पे ही एक बार और किक लगा दी जाए तो वो उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी, वो एक्सेलरेट है। ये हमने फर्स्ट लॉ से गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट से देखा। नाउ वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी का चेंज होना, हमें पता है कि वो किसके कारण होता है, जितना फोर्स हम उस पर अप्लाइड करते हैं उसके कारण होता है, ठीक है। तो हम उस फोर्स को मेजर कैसे करेंगे, ठीक, जैसे कि आप व्हीकल में लगातार आप एक्सेलरेट करते हो, मतलब आप अपने हाथ से एक फोर्स लगा रहे हो और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो फोर्स आप हाथ से लगा रहे हो वो उसके स्पीड को बढ़ा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेट होने के पीछे कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, उस पर लगने वाला फोर्स। लगातार उस पर कोई फोर्स लगता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती जाएगी और वो एक्सेलरेट होती जाएगी। एक्सेलरेट होना मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ते जाना। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। अब हम कुछ हमारी सराउंडिंग के ही कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट मे हर्ट्स हिम। मतलब आपने देखा होगा कि जब टेबल टेनिस की जो बॉल होती है, ठीक है, वो अगर प्लेयर को हिट कर जाए, मतलब टकरा जाए, तो उतना उसे हर्ट नहीं होता, मतलब उसे नहीं लगती। जबकि क्रिकेट की बॉल अगर लग जाती है किसी भी प्लेयर को तो वो आसानी से मतलब चोट दे सकती है। तो आपको एक तो टेनिस की बॉल है जिसकी साइज़ आपको अच्छे से पता है और एक है क्रिकेट की बॉल, ठीक है, तो दोनों में से हर्ट ऑब्वियसली क्रिकेट वाली बॉल ही करेगी। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन द पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड। मतलब जब कोई ट्रक रुका हुआ है रोड के साइड में तो उसको कोई अटेंशन यानी कि कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा। बट अगर कोई मूविंग ट्रक है, ठीक है, और मूविंग ट्रक मतलब जिसकी स्पीड कम से कम 5 मीटर पर सेकेंड भी हुई, अगर मतलब जरा सी भी स्पीड हुई है उसकी, तो वो किसी पर्सन की जान ले सकता है, उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है ना। तो अ स्मॉल मास सच अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन अ फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब कोई छोटी सी बुलेट को हम फायर करते हैं गन से तो वो किसी पर्सन की जान ले सकती हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन हैं ये हमें ये समझाते हैं कि जो भी इम्पैक्ट या जो भी अचानक आने वाले जो फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो उसकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अचानक किसी चीज़ से टकराती है तो उसका मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का प्लस उसकी वेलोसिटी कितनी है, दोनों ही डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड, मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया है, मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया है, तो वी नो दैट द ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। और एक्सेलरेट का बदलना, एक्सेलरेट का मतलब होता है वेलोसिटी का लगातार बढ़ते जाना, और अगर आपने किसी बॉडी को एक्सेलरेट किया है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी को आप बढ़ाते जा रहे हो, और आपको पता है कि वेलोसिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उस पर एक फोर्स लगाना पड़ता है। अब जो ऑलरेडी मोशन में है उसको और तेज मोशन करने के लिए या उसकी वेलोसिटी और बढ़ाने के लिए उसमें और फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता है कि जब बॉडी को एक्सेलरेट करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको फुटबॉल का बताया, एक किक मारी है फुटबॉल पे तो वो जीरो कंडीशन से थोड़ा सा चलना शुरू करेगी, और वो चलते चलते मतलब उसकी वेलोसिटी अभी कम है, उस पर आप एक और बार जोर से किक लगा दीजिए तो वो फिर से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेगी। फिर चलती बॉल में ही एक बार और किक लगाइए, तो इस तरह से आप लगातार उस पर फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वेलोसिटी बदलते जा रहे हैं, ठीक है। अदर वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि देयर अपीयर्स ऑफ एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड कम्बाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। और अगर हमें किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन को समझना है तो उसकी मास और वेलोसिटी को हमें समझना होगा।
वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड अ मोमेंटम, और इस तरह की प्रॉपर्टी को जिसमें ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, मोमेंटम, ठीक है, जिसको किसने समझाया था, न्यूटन ने। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या कहलाता है, उसकी मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, जो हमें ये समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट करना या जो भी हमने ऊपर जितने भी एग्जांपल देखे उन सभी में हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट, इन दोनों का एक्सेलरेट कैसे किया जाता है और एक्सेलरेट करने के लिए इन पर कितना फोर्स लगेगा, इनकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो m मतलब मास और वेलोसिटी भी हो जाएगा, तो p इक्वल टू एम वी होता है। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने आपको बताया था, और अभी आप 11th में इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब जिसमें इस चीज़ के बारे में बताया हो कि मैग्नीट्यूड मतलब नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस डायरेक्शन मतलब किसी दिशा के बारे में भी बताया जाता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कहाँ लगाया, फोर्स के लिए हमेशा एक डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है जिसमें 10 तो मैग्नीट्यूड कहलाएगा और जिस डायरेक्शन में लगाया है वो डायरेक्शन इंक्लूड हो गई, दैट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसी तरह मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रही है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ मूव करती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी वही डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोमेंटम की कहलाएगी, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, आप बना सकते हैं खुद, मास के लिए आप किलोग्राम लगाएंगे और वेलोसिटी के लिए आप मीटर पर सेकेंड लगाएंगे। तो इसकी ओवरऑल ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, KgmS inverse. Since the application of unbalanced force bring a change in the velocity of object, मतलब आपको इतना पता चल चुका है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर unbalanced force लगाया जाता है, मतलब किसी एक ही तरह से फोर्स लगता जा रहा है, तो लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट द फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इससे हमें पता चल गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे हम, ऑलरेडी मूव कर रही है और उस पर इधर से कोई फोर्स नहीं लग, इधर से केवल फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक तरफा फोर्स तो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। अभी मैंने आपको समझाया कि लगातार आप अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो V1 से V2, V2 से V3, इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होना दैट मीन्स मोमेंटम के अंदर क्या आ रहा है, मास इनटू वेलोसिटी हो रहा है। तो फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज होता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब इसे आप एक बार फिर से समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट का मास m1 है, मोमेंटम कैसे चेंज होता है, और वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है आगे की ओर, और अचानक ऑलरेडी मूव कर रही है और अचानक मैंने थोड़ा सा फोर्स और लगा दिया, तो ये आगे तेजी से जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, लेकिन इसका जो मास है वो m1 ही रहेगा, क्योंकि फोर्स लगाने से ये जो जिस क्वांटिटी से मिलकर बना है, जितना मैटर इस बॉडी के अंदर है वो कम थोड़ी हो जाएगा, मास तो वही रहेगा, ठीक है। अगर आप तेज भागते हो तो आपकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, लेकिन आपकी बॉडी का कंटेंट तो वही है ना जो पहले था, और जब आप थोड़ा सा आगे जाकर मतलब थोड़ा और तेज़ भागते हो तो आपने देखा होगा कि वेलोसिटी आपकी बड़ी है लेकिन आपकी बॉडी का जो मैटर है या कंटेंट है वो तो उतना के उतना ही है। तो मोमेंटम क्या कहलाता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब पहली बार में वेलोसिटी v1 थी और दूसरी बार में वेलोसिटी v2 थी, ठीक है। अब v1 मान लीजिए 5 है तो जो भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा, और यहाँ पर v2 10 हो जाएगा तो जो भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो चेंज होगा, यानी कि पहली बार मोमेंटम p1 था और दूसरी बार p2 था। तो इस तरीके से मोमेंटम, फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी का चेंज होना दैट मीन्स मोमेंटम का चेंज।